जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली में ग्रहों में स्त्री पुरुष का विचार कैसे किया जाता है, ग्रहों का स्त्री पुरुष का विचार कैसे किया जाता है प्रश्न कुंडली में। हमारे पास जब कोई प्रश्न कुंडली में प्रश्न आता है तो हमें ग्रहों में स्त्री या पुरुष ग्रह है इसका विचार कैसे किया जाता है इसके बारे में। पिछले वीडियो में हमने तत्वों के बारे में बात की थी, ग्रह के तत्वों का विचार कैसे किया जाता है, और जो ग्रहों में स्त्री पुरुष का विचार किया जाता है ये ज्यादातर चोरी के प्रश्न में देखा जाता है कि चोर जो था स्त्री था, पुरुष था या नपुंसक था, उसके बारे में देखा जाता है। और वैसे भी प्रश्न कुंडली में अगर हमें उत्साह देखना है, क्षमता देखनी है जातक की, तब भी इसको देखा जाता है। उसका देखना है कि उसकी सेवा में कितनी निष्ठा है, धैर्य कितना है जातक में, तब भी इसको देखा जाता है। ग्रहों के स्त्री पुरुष का विचार किया जाता है उसमें, या जातक कितना दुर्बल है, कार्य में टाल मटोल करने वाला है, इन सब बातों को समझने के लिए इसका विचार किया जाता है। तो पहले हम समझते हैं ग्रहों के स्त्री पुरुष के बारे में कि कौन सा ग्रह स्त्री ग्रह है, कौन सा ग्रह पुरुष ग्रह है या कोई नपुंसक ग्रह है उसके बारे में। सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य पुरुष ग्रह है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है, मंगल पुरुष ग्रह है, मंगल के बाद बुध भी लेंगे तो वह नपुंसक ग्रह है, गुरु पुरुष ग्रह है, शुक्र स्त्री ग्रह है, शनि नपुंसक ग्रह है और राहु केतु को प्रश्न कुंडली में नपुंसक ग्रह माना जाता है। तो मैंने आपको सब ग्रहों के बारे में बताया कि कौन सा ग्रह पुरुष ग्रह है, कौन सा ग्रह स्त्री ग्रह है और कौन सा ग्रह नपुंसक ग्रह है। अब हम देखते हैं यदि हमें कुंडली में यह देखनी है कि स्थिति कि जातक आशावादी है, उत्साह वाला है, कॉन्फिडेंस कितना है उसमें, दृढ़ता कितनी है उसकी बात में, क्षमता कितनी है उसमें काम करने की, प्रहारक प्रवृत्ति कितनी है उसमें, आगे बढ़ के पहल करने में उसकी ताकत कितनी है, तो हमें पुरुष ग्रहों के बल को देखना होगा। पुरुष ग्रह कौन कौन से हुए? पुरुष ग्रह हुए सूर्य, मंगल, गुरु। यदि उस प्रश्न कुंडली में ये तीनों या इन तीनों में से कोई दो या कोई एक, जो भी ग्रह जितना बली होगा उसके हिसाब से जातक में उत्साह होगा, आशावादी होगा, उतना कॉन्फिडेंस उसमें उतना होगा, उसके विचारों में दृढ़ता उतनी होगी अपने बल के हिसाब से। अगर उसमें अग्नि ये पुरुष ग्रह जो है सारे बली होंगे तो प्रहारक क्षमता उसमें ज्यादा होगी, शत्रु उससे डरेगा, हर काम को पहल करेगा, आगे बढ़कर काम करेगा, ऐसे वो कार्य कर सकता है। यदि उसका प्रश्न ऐसे कार्यों का है तो हम बड़ी आसानी से उसको हाँ कह सकते हैं। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं है उसकी कुंडली में ऐसा नहीं है तो हम मना कर सकते हैं या उसकी आंसर की परसेंटेज को कम कर सकते हैं कि जितना आप सोच रहे हैं उतना फल नहीं मिलेगा। अब यदि प्रश्न हमारे पास प्रश्न कुंडली में आए हो आज्ञा पालन करने का, सेवा का, निष्ठा का, धैर्य का, दायित्व निभाने का या कार्य कुशलता का, तब हमें कुंडली में क्या देखना होगा उस प्रश्न कुंडली में? उस प्रश्न कुंडली में हमें स्त्री ग्रह देखने होंगे। स्त्री ग्रह मैंने आपको बताए चंद्र और शुक्र। यदि ये कुंडली में चंद्र और शुक्र बली हैं तो जातक आज्ञा पालन करने वाला होगा, बात को समझने वाला होगा, अच्छा सेवक होगा, निष्ठावान होगा, धैर्यवान होगा, पेशेंस होगा उसमें, और कार्य को करने के बाद निभाएगा, अपनी जवान देने के बाद दायित्व को निभाएगा और कार्य को कुशलतापूर्वक करेगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं यदि उसका ऐसा प्रश्न है कि कार्य कुशलता का कोई प्रश्न है, सेवा का प्रश्न है, निष्ठा का प्रश्न है, धैर्य का प्रश्न है, और जातक के ये भाव बलि, ये ग्रह बलि हैं, चंद्र ग्रह और शुक्र ग्रह बलि हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसका वो कार्य हो जाएगा। अगर ये निर्बली हैं तो हम उसमें संशय रख सकते हैं कि इसमें होने में परेशानी होगी या देर से होगा। इस प्रकार से हम इसका उत्तर प्रश्न कुंडली में निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि प्रश्न कुंडली में नपुंसक ग्रह की स्थिति देखते हैं, वो कमजोर है तो जातक दुर्बल होगा, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी,
कार्य को करने में टाल मटोल करेगा, सोचेगा ज्यादा करेगा कम, आलसी प्रवृत्ति का होगा, कार्य करने में देरी दर्शाता है। ऐसी स्थिति होने पर कार्य करने में वो देरी दर्शाती है कि ये काम ना होने के चांस ज्यादा हैं या होगा तो काफी लंबी देर के बाद होगा, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो हमने समझा ग्रहों में स्त्री पुरुष के बारे में कैसे विचार कर उसको कुंडली में लगाएंगे। यदि चोरी का प्रश्न है तो उसमें देखेंगे कि चोर कौन है, यदि नपुंसक ग्रह की उसमें स्थिति अच्छी नजर आ रही है आपको तो हम कह सकते हैं कि चोर शनि और राहु केतु हैं। शनि में कौन आएगा, सेवक आएगा, राहु केतु भी सेवक में आएंगे, ये चोर हो सकते हैं। यदि सूर्य मंगल गुरु की प्रवृत्ति सामने आती है तो हम कह सकते हैं चोर जो है वह पुरुष हो सकता है। यदि स्त्री ग्रह की प्रवृत्ति सामने आती है तो हम कह सकते हैं कि चोर स्त्री हो सकती है, माँ हो सकती है, चंद्र माँ के समान औरत हो सकती है, शुक्र कोई पत्नी हो घर की पत्नी हो सकती है या कोई महिला जो अभी कम उम्र की है वो हो सकती है। इस प्रकार से हम चोरी के प्रश्न में भी इसको लगा सकते हैं। और कॉन्फिडेंस देखना है और उसका उत्साह देखना है या उसका कार्यकुशलता देखनी है तो उस प्रश्न में भी इन चीजों को हम लगाकर देख सकते हैं कि ग्रह पुरुष ग्रह है तो क्या प्रभाव देगा, स्त्री ग्रह है तो क्या प्रभाव देगा और नपुंसक ग्रह है तो क्या प्रभाव देगा। ये हमने प्रश्न कुंडली में ऑलमोस्ट सभी बातें पूरी कर ली हैं ग्रामर की। अगली कुंडली अगले वीडियो में हम बात करेंगे धन लाभ के बारे में कि धन प्रश्न कुंडली में धन लाभ को कैसे देखा जाता है।